Morning children in class second. How are you? I hope you are all fine. Take out my living word EVS book and page number is page number 80 and lesson number lesson number 10 water. Okay. And page number 80. So today we will read this page, page number 80. Okay, so let's start. सोर्सेज ऑफ वॉटर वॉटर के कौन कौन से सोर्सिस हैं वो आज हम रीड करेंगे वी नो दैट वॉटर इज वेरीशियल फॉर आर सरवाइवल हम जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है ओके एसेंशियल होता है बेटा आवश्यक ओके जरूरी और सर्वाइवल क्या होता है जीने के लिए ओके सो वॉटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल ओके लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड वट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वॉटर आइए हम पानी के विभिन्न जो भी हमारे पानी के सोर्सेज है उनको समझने की कोशिश करते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं ओके पानी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है सोर्सेज क्या होता है बेटा स्रोत जिनको कहा जाता है जहां से हम लोगों को पानी वाटर मिलता है ओके उनको हम क्या बोलते हैं सोर्सेज सो पानी हमें वॉटर हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है आज हम उसके बारे में रीड करेंगे द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन जो मेन सोर्स है जो हमारा पानी का मुख्य सोर्स है वो क्या है बेटा रेन बारिश ओके इट फेल्स द रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स इटीसी और इससे हमारी बारिश से हमारी नदियों को पानी मिलता है जो हमारे तालाब होते हैं उनको पानी मिलता है ओके okay? जो हमारी झीलें होती है उनको पानी मिलता है सो so इन सबको कहां से पानी मिलता है बेटा कहां से वाटर मिलता है रेन से ओके सम ऑफ द रेन वाटर गोस इनटू द सोल और कुछ जो हमारा रेन वाटर होता है कुछ रेन वाटर हमारा धरती जो हमारी सोयल होती है मिट्टी होती है उसमें चला जाता है ओके धरती के नीचे चला जाता है जो हमारा बचा हुआ जो वाटर होता है वो धरती में चला जाता है मिट्टी में चला जाता है वी डिग वेल्स एंड द ट्यूब वेल टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द सोयल हम क्या करते हैं सोयल के नीचे से मिट्टी के नीचे से पानी पीने के लिए कुएं और ट्यूब खुदवाते हैं ओके डिग होता है खोदना ओके सो so, पानी के लिए हम क्या करते हैं मिट्टी के नीचे से या फिर धरती में क्या करते हैं ट्यूबवेल लगाते हैं या फिर कुएं खोदते हैं जिससे कि हम लोगों को वॉटर मिल सके ओके सो हेयर इज गिवन डिफरेंट डिफरेंट वॉटर सोर्सेस फर्स्ट वन इज रिवर रिवर क्या होता है बेटा नदी स्ट्रीम स्ट्रीम ये पानी की जो धारा होती है ओके नेक्स्ट वन इज रेनफॉल बारिश का जो पानी होता है बेटा लेक जो हमारी झील होती है ट्यूबवेल ट्यूबवेल क्या होता है एक तरह का नलकूप इसको कहा जाता है सो दिस इज ट्यूबवेल वेल जो हमारा कुआं होता है एंड वाटर टैंक जो हमारा पानी का टैंक होता है जिसमें हम क्या करते हैं वाटर स्टोर करते हैं ओके सो दीज आर ऑल वॉटर सोर्सेज जिनसे कि हम लोगों को वाटर मिलता है ओके सो एवरी चिल्ड्रन रीड दिस पेज पेज नंबर एट्टी एट होम थैंक यू हैव अम